अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुज्जर गटाल के ग्रामवासियों ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व उनके बेटे के खिलाफ एसपी राजेश दुग्गल से शिकायत दी। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व उनके बेटे और कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगाया मारपीट का आरोप। कैप्टन अजय यादव और उनके बेटे द्वारा रविवार को गाँव गुज्जर गटाल में आयोजित प्रोग्राम को लेकर हुई मारपीट से जहाँ पीड़ित पक्ष के कैप्टन अजय यादव व उनके बेटे चिरंजीव राव और कुछ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एसपी राजेश दुग्गल को शिकायत दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सतीश खोला ने इसको लेकर कहा है कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां एक तरफ अटल जी को लेकर पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, वहीं राष्ट्रीय शोक के बावजूद गुज्जर गटाल गांव में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डीजे बजाकर पटाखे फोड़ना अशोभनीय है। और इसको लेकर सतीश खोला ने कहा कि इस तरह के कार्यों के लिए पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व उनके बेटे पर केस दर्ज होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शोक के बावजूद कार्यक्रम करने और मंदिर में कार्यक्रम की अनुमति नहीं लेने पर गांव के युवाओं ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर कांग्रेसियों द्वारा नकाबपोश बदमाशों द्वारा गांव के लोगों से पिटवाया गया। अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता में सतीश खोला ने कहा कि पहले आयोजन के लिए गांव के स्कूल से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन इसके लिए आपत्ति होने पर कार्यक्रम स्थल बदल कर मंदिर पर कर दिया गया। मंदिर कमेटी से कोई अनुमति नहीं ली गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन होने के कारण गांव के युवाओं ने कार्यक्रम से पहले पूर्व अनुमति नहीं देने की शिकायत दी थी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अनुमति न होने पर मंदिर में कार्यक्रम किया गया, जिसको लेकर विरोध करने वाले युवक सड़क से दूर खड़े होकर केवल प्रतिशोध तौर पर काले झंडे दिखाकर विरोध जता रहे थे। इससे बौखला कर आयोजकों ने नकाबपोश बदमाशों को बुलाकर युवकों को पिटवाया। कांग्रेस के इस आयोजन में जन स्वास्थ्य विभाग के जेई, दमकल विभाग सहित दो शिक्षकों ने कार्यक्रम में खुले रूप से भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों के साथ प्रस्तुतियां भी दिलाई। सतीश खोला ने कहा कि राष्ट्रीय शोक के बावजूद भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना और सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी होने पर उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री को अवगत करा कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग करेंगे। मामला मेरे पास आया है, गांव के लगभग 25-30 नौजवान साथी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वो आए थे अपनी सारी बात को लेकर के। ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी जाँच होनी चाहिए और कैप्टन अजय सिंह यादव या दूसरे नेता चिरंजीव या और भी नेता केशव यादव वहाँ आए थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय शोक है ये, पूर्व प्रधानमंत्री जी का देहांत हुआ है और ऐसे में डीजे बजाना, पटाखे चलाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच के माध्यम से जो हुआ ये पूरी तरीके से गलत हुआ, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सारे का नेतृत्व किया है, तो मैं उसकी व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से निंदा करता हूँ और प्रशासन से भी ये कहता हूँ कि कैप्टन अजय सिंह यादव, प्रदीप जेलदार, केशव यादव और चिरंजीव राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सर, प्रशासन इनको मंजूरी दे दी। रेवाड़ी से दिनेश चौहान की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।